सो भाई लोग, आज का जो ये पीसी है, मैं आपको बताऊं, मेरे अकॉर्डिंग ये अपने बजट का सबसे बेस्ट पीसी है। अपने बजट में इस पीसी की कॉस्टिंग है रफली अराउंड 65,000 रुपीस, और इन विदाउट विंडोज सॉफ्टवेयर एंड विदाउट आपके मॉनिटर कीबोर्ड माउस के साथ। सो इस पीसी की कॉस्टिंग रफली 65,000 है। बट पहली चीज तो ये एमडी का पीसी है, सेकंड थिंग अपने सेगमेंट का बेस्ट पीसी। हाँ, आप इसी कॉन्फ़िगरेशन में इंटेल का भी बना सकते हैं, बट इंटेल की परफॉर्मेंस थोड़ी सी लो आएगी। सो व्हाट्स अप, कैसे आप सब? आपको भाई शादाब खान, वेलकम टू मिस्टर पीसी वाले। आप भी कोई इसी तरह हो तो आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया हम लोग शिपिंग करते हैं। सो ये पीसी एक छोटे से बच्चे का, जिसका नाम है अर्शदीप, 8th क्लास में पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले मिलाते हैं आपको अर्शदीप से। तो जो पीसी हम लोग शूट कर रहे हैं वो इनका है। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम अर्शदीप सिंह है। अर्शदीप सिंह, अर्शदीप किस क्लास में हैं आप? अभी क्लास 8 से 9th में जा रहे हैं। अच्छा, तो जो आप ये पीसी लिया, आपने किस लिए लिया, मतलब क्या काम करना है इससे आपको? इसमें थोड़ा स्टडी भी करना है और थोड़ी बहुत गेमिंग भी करनी है। अच्छा, यू वांट टू सम स्टडी। और रहते कहाँ हैं आप? लखनऊ में ही? बाहर के? लखनऊ में रहते हैं। और ये आपने पीसी लिया है सम थोड़ा सा आपको स्टडी पर्पज से, थोड़ा गेमिंग पर्पज से? तो मतलब पापा को बहुत फोर्स करना पड़ा पीसी लेने के लिए, पापा ने इसलिए दिला दिया ऐसे ही? जब तक आप कुछ अपने पेरेंट्स को करके नहीं दिखाएंगे तो पेरेंट्स तो कैसे आपको अलाउड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बच्चे ने भी अपना स्टडी पे फोकस किया, अपना पढ़ाई अच्छे से पढ़ाई की। आफ्टर दैट इनके पेरेंट्स ने इनको अलाउड किया कि हाँ, अब आपको एज एन गिफ्ट हम पीसी दिलाते हैं। वो भी पीसी किसी दिलाया है? जस्ट फॉर एजुकेशन, क्योंकि इनके फादर को सब पता है कि बच्चा मेरा कैसा पढ़ता है, कितनी मेहनत करता है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने दिलाया इनको पीसी। तो ये है अर्शदीप लखनऊ से। तो कैसा लगा आपको मिलके बच्चे से? इन्हीं का पीसी है ये। और चैनल पे आप लोग पहली बार आप लोग आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिएगा। चलिए आज की वीडियो को करते हैं शुरू और दिखाते हैं आपको इनके कंपोनेंट्स के 65,000 में हमने इनको क्या क्या दिया। तो भाई देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने कैबिनेट यूज की ना, वो बहुत ही अच्छी कैबिनेट यूज की अपने सेगमेंट में। आपको बता दूं, बेस्ट इन क्लास कैबिनेट है, बेस्ट इन क्लास, कोई इसका तोड़ नहीं। इस कैबिनेट का कैबिनेट यूज हुई है सर्कल डिफेंडर ZX1। देखिए इसकी खासियत, देखिए आपको 6,000 रुपये के प्राइस टैग में ये आगे से टफन दे रहे हैं, ये देखिए शीशा है, साइड से टफन दे रहे हैं, प्लस साइड में आपको 3 फैन लगा के दे रहे हैं, देखिए इस जगह पर, और 1 फैन ये लोग आपको पीछे लगा के दे रहे हैं, एज वेल एज 3 फैन ऊपर लग जाते हैं। और देखिए बेस में 1 फैन यहाँ पे, 2 फैन यहाँ, 2 फैन आपके यहाँ पे, मतलब 3 फैन आप इसको बेस में भी लगा सकते हैं। टॉप पे बात करें, 360 mm का लिक्विड कूलर आप बहुत ही इजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारा स्पेस दे रखा है, 3.0 का पोर्ट दे रखा है, 3.2 टाइप सी का पोर्ट दे रखा है, हेडफोन जैक, माइक जैक, पावर ऑन ऑफ स्विच। तो मतलब टोटल 4 फैन आपको इसमें कंपनी प्री इंस्टॉल दे रही है। उसके अलावा आप इसमें 6 फैन और लगा सकते हैं, 3 ऊपर 3 नीचे। अपने सेगमेंट की बेस्ट कैबिनेट है, व्हाइट एंड ब्लैक 2 कलर में आती है, आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। सारी कैबिनेटों को इस टाइम भूल जाइए, डिफेंडर ZX1 को उठा लीजिए। उसके बाद जो हमने पावर सप्लाई इसमें यूज किया, वो यूज किया थर्मल टेक की BX1 650W 80+ ब्राउन सर्टिफाइड की पावर सप्लाई यूज की है, जो कि आती है 5 ईयर्स की वारंटी के साथ। उसके अलावा इसका सीरियल नंबर दिखाएं आपको, ये दिया हुआ इसका यहाँ पर सीरियल नंबर। ठीक, आइए इसको करते हैं हम लोग अनबॉक्स। सो भाई लोग, ये रहा देखिए पावर केबल, जो कि हमें इसके बॉक्स में मिलता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग हमको मिल जाती है इसमें हमारी इंडिविजुअल पावर सप्लाई, ये देखिए 40 से इसके 650W की SMPS। बात करें प्राइसिंग की तो इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 5,000 रुपीज। उसके बाद जो हमने इसमें मदरबोर्ड यूज किया है, वो यूज किया है गीगाबाइट का B450M DS3H वाईफाई AMD 5000 डेस्कटॉप रेडी मदरबोर्ड है। ये देख लीजिए आपके सर फुल सील्ड पैक। अर्शदीप की जो फादर है ना, तो उनसे मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है, मतलब बहुत अच्छा, कहते नहीं फर्स्ट टाइम वो एज अ कस्टमर मेरे पास आए थे हमारे पास। बट वो एक तो काफ़ी सीनियर हैं, एज में बहुत बड़े हैं, और जिस पोस्ट पे हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी पोस्ट पे हैं, तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मैंने उनसे ये चीज़ बोली थी कि सर आप परेशान ना हो, आपके बच्चे के सारे कंपोनेंट्स के सील और सेल नंबर एंड कंपोनेंट्स के अंदर कंटेंट क्या है मैं डिटेल्स में दिखाऊंगा, तो सर आप परेशान मत होना। आपने एक बार भरोसा जिताया, मिस्टर पीसी वाले भी दिखाया ना, तो ये शायद आपका नाम आपके भरोसे को कभी तोड़ने नहीं देगा।
टूटने नहीं देगा। ठीक, चलिए आपको दिखाते हैं कंपोनेंट्स। तो देखिए सबसे पहले आप सर देखिए यहाँ पे ये रहा इसका सीरियल नंबर, एंड यहाँ पर देखिए ये लगी हुई इसकी सील। तो जैसे आप इसकी सील जब आप ब्रेक करोगे तो इस तरह ब्रेक करोगे, उसके बाद जब आप इस बॉक्स को ओपन करेंगे तो देखिए पहले तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी साटा केबल, उसके अलावा आपको ये मिल जाएगा आपका इंडिविजुअल मदरबोर्ड, प्लस आपको ये मिलते हैं एंटेना। ये एक वाईफाई का एंटेना है, एक मदर एक ब्लूटूथ का एंटेना है, साथ में एक मिलती है आपको यहाँ पर आईओ शीट। तो आईओ शीट अंदर रखते हैं, साटा केबल अंदर रखते हैं और इंडिविजुअल मदरबोर्ड निकालते हैं। जब आप मदरबोर्ड निकालोगे तो मदरबोर्ड में एक और आपको सील मिल जाएगी, ये देखिए यहाँ पर लगी हुई है। ठीक, तो इस सील को हम ब्रेक करते हैं। ये हमने सील को ब्रेक किया, मदरबोर्ड को हमने यहाँ पर रख दिया और इसकी पंदिनी को रख दे रहे हैं। सो भाई लोग ये रहा हमारा मदरबोर्ड, ये देख लीजिए 1 2 3 4 रैम स्लॉट, ये प्रोसेसर का स्लॉट, एक एनवीएम स्लॉट, 2 ग्राफिक कार्ड के स्लॉट, और ये देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे आईओ पोर्ट्स में 4 3.0 के पोर्ट, 2 ये 2 2.0 4 2.0 के पोर्ट, और आपका ये आपका ब्लूटूथ एंड वाईफाई का एंटीना। ठीक, बात करें प्राइसिंग की, समवेयर अराउंड 7800 to 8000 के आसपास इसकी प्राइस फ्लक्चुएट होती है हमेशा। सो वैल्यू उसके बाद जो इसे प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं AMD Ryzen 5 5600X 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर, ये देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए इसकी सील लगी हुई है, ये देख लीजिए फुल सील पैक, और यहाँ पे दिया है कहाँ, हाँ ये दिया है इसका सीरियल नंबर देखिए। ठीक, और पीछे से भी देखिए इसकी सील फुल पैक है आपके सामने, इसकी सील को ब्रेक करेंगे, 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है। आप इजिली इसमें 1080p गेमिंग और 1080p की वीडियो एडिटिंग आराम से कर सकते हैं। ये निकला हमारा Ryzen 5 5600X प्रोसेसर, और उसके साथ निकला है इसका एयर कूलर निकला है, जो कि इसी में रखा रहेगा सील पैक, इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, ये इसको हम हटा देंगे। हम इसकी जगह इसको ठंडा करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये देखिए ये यूज़ कर रहे हैं आपके सर्किल गेमिंग का स्टे कूल CG4P ARGB का एयर कूलर, जो कि फ़ैन के साथ आता है, और साथ में आपको मिल जाती है इसमें एक ARGB की इन्फिनिटी वाला डिज़ाइन, और ये बाहर से इसमें सील नहीं होती है, ये ओपन रहता है। इसको यहाँ से हम खोलेंगे, ये देखिए ये पूरी किट के साथ निकला, ये निकलती है किट ये सब, और ये रखा है हमारा एयर कूलर निकला, ये देखिए। ठीक, ये तो एक आपको ARGB फैन मिलता है, प्लस इस बीच में आपको वो इन्फिनिटी डिज़ाइन मिलता है, और ये आपके यहाँ पे देख लीजिए हीट सिंक पे पूरा इन्फिनिटी डिज़ाइन मिलता है। बात करें प्राइसिंग की, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे कंपोनेंट्स के लिंक डाल दिए, आप चेक कर लीजिएगा। सो एज़ पर हिज रिक्वायरमेंट उन्होंने बोला था अर्शदीप ने कि शादाब भाई मुझे आप जो रैम दीजिएगा वो दिएगा T4 की डेल्टा 8GB की 2 स्टिक 16GB रैम 8GB वाली। तो ये देखिए ये वही रैम हमने यूज़ की, आप लिखा हुआ 8x2 3200 MHz की सिंगल स्टिक, 2 पेयर है, 1 पेयर है। ठीक, और ये देखिए यहाँ सील लगी हुई है, यहाँ सील लगी हुई है आपके सामने, इसकी सील को हम ब्रेक करेंगे। देखिए सबसे पहले एक सील ब्रेक होती है, ये मैंने ये किया और ये कर दी ब्रेक, सेकंड सील मैंने ब्रेक की, ये देखिए ये मैंने ब्रेक किया। ठीक, सो ये देखिए ये रही हमारी रैम T4 डेल्टा आपकी व्हाइट कलर की, ऊपर आपको मिलती हीट सिंक प्लस ये RGB लाइट, और ये सीरियल नंबर इसका यहाँ रखा है और इसका सीरियल नंबर यहाँ पर रखा है। लुक वाइज दोनों रैम हमारी बहुत ही शानदार। उसके बाद जो हम उसमें NVMe यूज़ कर रहे हैं एज अ प्राइमरी स्टोरेज, वो यूज़ कर रहे हैं XPGA की SX8200 Pro 8200 Pro, जिसकी रीड स्पीड है अप टू 3200 MBPS, राइट है अप टू 3000 MBPS। इधर से भी देखिए यहाँ से भी सील पैक और यहाँ से भी सील पैक, और एक साइड से इसका सील ब्रेक करेंगे हम, ये हमने यहाँ से इसकी सील को ब्रेक कर दिया। ठीक, उसके बाद इसको आप निकाल लेंगे तो आपको मिलता रहती है NVMe प्लस हीट सिंक भी हम लोग इसकी लगाएंगे इसमें। तो ये रही हमारी, ये देखिए ये रही हमारी NVMe, और ये रहा इसका सीरियल नंबर। उसके बाद जो हमने इसमें ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है, वो भी उस बच्चे की पसंद का ही यूज़ किया है, ASRock का चैलेंजर सीरीज का AMD Radeon RX 6600 6600, जो कि 1080p गेमिंग कराएगा, 8GB का मेमोरी, 8GB ग्राफिक कार्ड है, PCIe 4.0 सपोर्ट करता है, और ASRock के चैलेंजर सीरीज में बाहर सील नहीं आती है, तो आपको इसको ऐसे ही खोलना पड़ेगा। बट सीरियल नंबर यहाँ पर देखिए आपके सामने दिया हुआ है। ठीक, तो हम इसको ऐसे खोलते हैं, ओपन करते हैं, ये ओपन किया हमने, ये हमारा सपोर्टिव क्वेश्चन, इस तरह से हमारा ग्राफिक कार्ड रखा होता है, डुअल फैन का ग्राफिक कार्ड है। इसको हम निकालते हैं बाहर और इसको हटाते हैं यहाँ से, और ये इसमें सील दी होती है यहाँ पर अंदर की साइड, देखिए लिखा हुआ है ये सील दे रखी है, तो यहाँ से इसको उड़ाते हैं इसकी सील, ये मैंने काट दी इसकी सील, ब्रेक कर दी, और ये निकाला हमने आपका ग्राफिक कार्ड।
ये देखिए काफी ह्यूज ग्राफिक कार्ड है, डुअल फैन के साथ आता है, एक फैन दो फैन प्लस ये आपकी यहाँ तक ये बैक प्लेट रखी है, ये पूरी हीट सिंक एक्सटेंड है आगे तक, और ये मैंने पीछे की पन्नी उतारी, और ये आपको चार पोर्ट मिल जाते हैं जिसमें एक दो तीन तीन डीपी पोर्ट और एक एचडीएमआई पोर्ट, मतलब HDMI पोर्ट जिसे हम लोग कहते हैं मजाक मजाक में, बट उसको एक्चुअल कहा जाता है HDMI पोर्ट, जो कि आपको डिस्प्ले का आउटपुट देता है। तो ये रहा हमारा ग्राफिक कार्ड, ये देख लीजिए ठीक। तो ये सारे कंपोनेंट्स हो गए, आइए इसको हम लोग करते हैं बिल्ड और फिर दिखाते हैं आपको इसका आफ्टर के मतलब बन के कैसा आया, और फिर अर्शदीप के वो लेंगे फर्स्ट इंप्रेशन कि उसको ये पीसी कैसा लगा। मशीन अपनी कंप्लीट हो गई, कितनी कंप्लीट हुई मैंने सोचा आपको एक बार दिखा दें। तो देखिए इस हद तक हमारी मशीन कंप्लीट हो गई है, ठीक है, सारा असेंबलिंग का काम जितना भी था वो हमने सब कंप्लीट कर दिया, हमारी तरफ से सब कुछ कंप्लीट कर दिया गया है इसमें, ये देखिए। और ये रहा इसका केबल मैनेजमेंट, अब इसके पैनल बंद करते हैं, मशीन को ऑन करते हैं, मॉनिटर लगाते हैं, आपको दिखाते हैं। सो गाइस ये देखिए पूरी असेंबलिंग हमने कर दी है, सब कनेक्शन रेडी कर दिया, सारे पैनल, ये पैनल, ये पैनल और ये साइड का पैनल बंद कर दिया, अब इसको करते हैं ऑन। So, ये देखिए ये हो गई हमारी मशीन ऑन एंड जस्ट लुक एट द व्यू, ओ माय गॉड व्हाट एन आउटस्टैंडिंग लुक्स। ओनली 65,000 रुपीस का ये पीसी है, कितने का, 65,000 का। ये देखो आप खाली फैन देखो, फैन की क्वालिटी देखो आप, ये देख लिए फैन की क्वालिटी देखिए, और ये देखिए आपका लगा एयर कूलर 120 का, जिसमें आपको बीच में इन्फिनिटी लुक मिलता है और यहाँ भी इन्फिनिटी डिज़ाइन मिल जाता है हमको सर्किल गेमिंग के लोगों के साथ, ये पीछे भी इन्फिनिटी लुक मिलता है। ये हो गई आपकी रैम, पूरी मशीन हमारी सिंक है, ये देख लीजिए आप, इसको सॉफ्टवेयर से यहाँ से कंट्रोल हो रही है, ये देखिए कंट्रोलर डाला है और इससे पूरी मशीन हमारी सिंक है, पूरी चल रही है मशीन, लुक कैसा आ रहा है आप देख के बताइए, बहुत प्यारा लुक आ रहा है, बहुत शानदार, ये देखिए। और इसकी मिरर इमेज यहाँ पर बनती है, ये देखिए इसका पूरा रिफ्लेक्शन बनता है, पूरी मिरर इमेज क्रिएट होती है, ये देखिए पीछे भी मिरर इमेज इसकी क्रिएट है, बहुत अच्छी मिरर इमेज बनती है। और ये साइड के तीन फैन हो गए देखिए यहाँ पे हमारे, और ये देखिए बहुत प्यारा, पूरे सॉफ्टवेयर से हमारा कंट्रोल हो रहा है, सिस्टम चल रहा है, कैसा लगा बताओ। इफेक्ट्स बहुत सारे हैं यहाँ से, आप मल्टीपल इफेक्ट्स इसमें डाल सकते हो, मल्टीपल इफेक्ट्स लगा सकते हो, जो भी मतलब कस्टमाइजेशन आप चाहो, जैसा कस्टमाइजेशन चाहो आप इसमें इसके साथ कर सकते हो। सो गाइस देखिए हमने अब आपके स्टूडियो की लाइट्स ऑन कर दी हैं एंड जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस पीसी, आउटस्टैंडिंग अल्ट्रा लेवल की ब्यूटी है, मजा आ जाए देख के, ठीक कैसा लगा बताओ। अब हम शुरू करते हैं इसका बेंचमार्क, एक गेम दिखाते हैं आपको कि बेंचमार्क हमारे कैसे चल रहे हैं, उसके बाद सीधे करते हैं इसको आउट। तो आइए स्विच करते हैं सीधा बेंचमार्क पे। तो गाइस ये रखा पीसी, और पीसी किसका है आप देख चुके हो अर्शदीप का, तो अर्शदीप आपको एक काम करना है, 3, 2, 1 गो करके देखिए, पहले सबसे ऊपर उसने टॉप पे बटन दिख रहा है, इसको आपको ये दबाना है, पहला बटन दबाइए, आइए बट ये हैव अ सीट एंड हैव अ लुक। कैसा था आपका फर्स्ट मतलब इन एक्सपीरियंस, फर्स्ट रिएक्शन कैसा था? सुपर्ब पीसी बिल्ड।
जैसा आपका आपने जो है जो मतलब सोचा था कुछ मेंटली के कैसा होगा कुछ आपकी उस पर सोच पे कुछ अकॉर्डिंग टू आपकी नीड के अकॉर्डिंग आया नहीं आया ये बिल्कुल उससे ऊपर ही आया है। अच्छा लगा काफी सॉलिड सॉलिड। देखो एक एक चीज में चुन चुन के लगाई हमने सर्किल की कैबिनेट चूज की जिसमें आपको देखो चार फैन मिल रहे हैं तीन साइड में एक पीछे मिल रहा है प्लस दो रैम आपकी और यही ये देखिए सर्किल का ही हमने एयर कूलर लगाया है। यहाँ पे इन्फिनिटी डिजाइन दे रखा है प्लस ये फैन फैन में भी आपकी इन्फिनिटी लुक है। अच्छा लगा पीसी आपको बहुत बढ़िया सीरियसली पक्का आप मेरा खाली दिल रखने के लिए नहीं कह रहे हैं नहीं बिल्कुल हमने अपनी तरफ से अर्शदीप जो भी बेस्ट हो सकता था वो किया। अब ये कहता नहीं है रिजल्ट तो आप ही बताओगे कि आपको कैसा लगा आपके एंड से सही है पीसी कोई कमी तो नहीं लग रही है पूरा परफॉर्मेंस चेक है इसकी पूरे बेंचमार्क चेक है सब कुछ इसमें हमने ऑल टोटल चेक कर लिया अब आपको चलाना है इसको। सो गाइस कैसा लगा पीसी कमेंट करके बताना हमारी तरफ से तो बेस्ट से बेस्ट हमने कोशिश की है एफर्ट किया है कि आपको पीसी दिखाएं और आपके लिए पीसी बनाएं। कोई नया पीसी चाहिए हो तो आप किसी पे नंबर आ रहा होगा दोनों में से किसी भी नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हो व्हाट्सएप कर सकते हो उसके अलावा आप हमको इंस्टाग्राम पर डीएम कर लेना कोई नया पीसी चाहिए हो और जल्दी वेबसाइट हमारी आने वाली है और चैनल पहली बार आप लोग आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा बहुत अच्छा पीसी बना है अर्शदीप का बहुत अच्छा। आज के लिए इतना ही जल्दी मिलते हैं स्टूडियो में। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय।